दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कोकनी पूरा कोकनी अच्छी चटनी बनाई है उसमें अच्छी तरह से भुना गया है, देख सकते हैं। और ये तो ये कच्चे वाला खा रही है, भूखड़ जैसा। कच्चा वाला क्या नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, दीजिए। ये वाला थोड़ी अभी चटनी बनाएंगे। तो चल बना, जल्दी जल्दी बना। देख सकते हैं यहाँ पर लहसुन भी थोड़ा बहुत छोड़ा है, तो छोड़ा ना, ये खाली खाने में रहती है। वाह दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चटनी बन के रेडी हो गया। और किस तरह, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी वाला ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के साथ, तो हमारे ओर से आप सबको सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों देख सकते हैं सुबह सुबह सभी को यहाँ पर आ गए हैं बीच परती में, और देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ रेगिस्तान जैसा नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर ना अभी हम लोग बादाम रोकने वाले हैं, वो देख सकते सभी मतलब कुछ जितना भी देख सकते बहुत ही दूर तक बहुत ही बड़ा एरिया है, तो चारों तरफ ना यहाँ पर बादाम का खेती लगाया जाता है। अभी मतलब ना सीजन आ गया बादाम रोकने का, मतलब कल ही बादाम चढ़ाए थे, तो कल मतलब शाम में मतलब कच्चू रोपे थे, तो आज जैसे कि यहाँ पर बादाम यहाँ पर परात में बस इतना सा बादाम है। अब यहाँ पर तब इसे मतलब बुनना है अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं पापा यहाँ पर दोनों जानवरों को नार लिए हैं, यहाँ पर हल मतलब वो हल से मतलब बुनते हैं, हल जोतेंगे ना जैसे होता है ना यहाँ नाला नाला, वहाँ पर हम लोग बादाम गिरते जाएंगे। और दादाजी यहाँ पर साइड साइड में ना वो लोग कोड़ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर टू पाम ले लिए हैं बादाम, और ये हम टिफिन में ले लेंगे और पीछे पीछे हम लोग गिराते जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ जो होता है ना ये नाली में हम लोग गिराते जाएंगे बादाम। कितना पीछे पीछे गिराना हैं, कितना पीछे दोस्तों देख सकते हैं लगभग एक हाथ के बीच बीच में, एक बीता और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हाँ वही डेढ़ बीता के फर्क में देख सकते हैं। और अभी दोस्तों हम लोग के बारे ना यहाँ से दिखाते हैं आप लोग को, उधर भी जाके उतना सा है। और चारों तरफ फल जोत के ना छोड़ दिया सबको, मौका मिलेगा और सबको यहाँ पर सबको ना बादाम ही यहाँ पर लगाता। पहले मतलब शकरकंद चारों तरफ तो होता था, लेकिन अब शकरकंद कोई नहीं रोकता, ज़्यादा कोई नहीं रोकता, चारों तरफ बादाम ही रोकते हैं। उसने यहाँ पर ना पहले ग्राउंड था, हम लोग यहीं पर खेलते थे फुटबॉल वगैरह, जैसे कितना बड़ा ग्राउंड था, जाए तो प्लेन है। लेकिन यहाँ पर जब से कोरोना लगा ना पूरा लोग सब कोई खेती करने लगा, तो यहाँ पर सब जोत फात के सब ने खेती करने लगा, हम लोग खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं बचा, क्या ही बोले। और दोस्तों देखते थे पापा बहुत ही दूर चल गए हैं, मतलब हम मम्मी अभी अकेले गिरा रहे हैं ना हम लोग बना रहे हैं, तो अभी चलिए अभी यहाँ पर हम लोग दोनों फटाफट गिराते हैं। दोस्तों हम मम्मी से थोड़ा आगे आ गए हैं, देखते थे वो गिराते आ रहे हैं और हम इस कोना से गिराते जाएंगे। देख सकते हैं ये रहा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए दोस्तों इस तरह गिरा लेते हैं अच्छा से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आधा दिया हुआ हो चुका है, देख सकते हैं और थोड़ा मतलब लाइन लाइन हो रहा है, देखते हैं मस्त। और यहाँ पर ना टिफिन मतलब मेरा बादाम खत्म हो गया, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बादाम रखा हुआ है, चलिए यहाँ पर भरते हैं देख सकते हैं। और दोस्तों अगला साल का ही बादाम है इसी बारी का, और इसी का ध्यान रखे थे तो इसी के वाला हम फिर से रोक रहे हैं, बहुत दाम है दोस्तों इसका। अभी अभी के टाइम में खास कर लीजिएगा ना 150 रुपये के जी बादाम, और आजकल सब अपना ही कोई रखता है रोकता है ना, तो घर ही वाला सब कुछ ध्यान रख लेता है। अब इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे तो भर लिया आपके लिए फिर से आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरे बारी में बादाम बुन लिए, और देखते हैं यहाँ पर टिफिन में खाली हो गया थोड़ा सा बचा हुआ, तो पूरा देख सकते हैं ख़त्म हो गया यहाँ पर। और दोस्तों अपना यहाँ पर मतलब प्लान कर देंगे मेरे से, नहीं तो सब पंछी उंछी आएगी और सब खा के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है ना ये बारी हम लोग का, ये मतलब ना ये सांटले है, तो इसमें भी अब यहाँ पर रोपना होगा इसी तरह, और एक खूब करके गिराते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्या ही बोले। और अभी धूप नहीं है ना इसलिए मतलब पूरा सुबह सुबह उठ के आ गए हैं, नहीं तो धूप में फिर घूरने में अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों आजकल का काम मतलब दो सुबह ही में अच्छा होता है, दोपहर में तो पानी आने का फुल संभावना रहता है, एकदम पूरा बादल ढक देता है, हवा आंधी आने लगता है, इसलिए अभी करना ठीक है। तो चलिए अब यहाँ भी मतलब अभी पापा प्लान करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर रोपेंगे। दोस्तों अब जा रहे हैं हम पानी लाने के लिए कुआं में, वहाँ बोल दिए हैं कि जाओ तुम पानी लेते हो, अभी मतलब मेरी आएंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक से तुम पानी लेते हो। और देखते उधर जो है हम लोग का बारी है ना उधर जा रहे हैं, वहाँ पर कुआं है ना, तो चलिए अब चलते हैं कुआं में। तो दोस्तों देख सकते अभी हम कुआं में पहुँच चुके हैं, और ये है ना हम लोग का मतलब
बड़े पापा का है, मतलब जमा है सबका है। और देखो यहाँ पर गन्ना लगाया हुआ है मस्त कतारी, और दोस्तों यहाँ पर ना गाजर लगाया हुआ था पूरा, लेकिन सारे गाजर ना बर्बाद हो गया। देख सकते हैं थोड़ा सा उधर ना कोड़े हैं, और सारे मतलब टाइम नहीं दे पाए इसमें, घास पूरा हो गया और मतलब सड़ गया इसी तरह पूरा। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा खेत में पूरा गाजर ही गाजर था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर ये कुआँ ज़्यादा गड्ढा नहीं है इसमें, मतलब पूरा नीचे तरफ पूरा दिखता है देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ना देख सकते हैं यहाँ पर टूटा फूटा डब्बा है, तो चलिए अब पानी उठाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर मतलब आधा रस्सी था आधा तार में जॉइंट था, तो अचानक उठा रहे थे तो देख सकते हैं डब्बा वहीं पर रख गया और टूट गया ये तार। ऑलरेडी एक पहले से वहाँ पर डब्बा टूटा हुआ है, और ये वाला है देख सकते हैं यहाँ पर ये डब्बा, यहाँ पर देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, जैसे खींचने को जाए रस्सी टूट गया है तेरी। अब पानी कैसे पियेंगे हम लोग? ये लॉल हो गया हमारे साथ, बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं खाली टिफिन लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन मम्मी को तो प्यास लगा है काफ़ी ज़ोरों से। क्या करें दोस्तों, चलते हैं ऊपर वाला माचा वाला में, यहाँ से तो पानी तो कहीं से भी ले जाना पड़ेगा, ताकि प्यास लगा है तो पानी तो हमको बोलें तो हम तो लाभ ही करेंगे कहीं से कहीं से। चलिए अपना दौड़ के चलते हैं वहाँ पर ऊपर वाला जो हम लोग हुआ ना, वहाँ पर बाल्टी है अभी, रस्सी भी है पूरा मस्त, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों दौड़ के जा रहे हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुआं में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बाल्टी है पूरा हैवी, तो चलिए अब यहाँ से पानी उठा के टिफिन भरते हैं, सुबह फिर ले जाएंगे। और आते आते पूरा थक के मैं दौड़ गया है ना, तो चलिए फटाफट उठाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर उठा लिए हैं पानी, चलिए यहाँ पर टिफिन में भरते हैं पहले एक टिफिन, और अब चलिए अब हम भी पी लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम भी पानी पी लिए पूरा मस्त, और फ्रेश लग रहा है बहुत, और यहाँ पर भी टिफिन में ले लिए माँ के लिए पानी, तो चलिए चलते हैं बादाम बारी में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और माँ को दे दिए पानी, अब ये पियेंगे। और धूप भी थोड़ा दे रहा है पर निकल रहा है थोड़ा बहुत, छाता भी ले लिए देख सकते हैं, और अभी तक अब भूख भी लग रहा है ज़ोर से, तो खाना वाना भी नहीं खाएँ। हमारे सिस्टर घर में है तो वो खाना बना रही है, अभी जाएँगे घर अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्लेन हो चुका है, और अब उधर प्लेन कर रहे हैं, उसके बाद उधर भी बुनेंगे। देख सकते हैं कितना मस्त प्लेन हो गया, अब जो दाना था ना पूरा ढंग गया है, अब इसमें कोई भी पंछी उंछी होगा ना, कोई भी जानवर यहाँ पर बादाम निकाल नहीं पाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर ना हो गया है पूरा प्लेन किया हुआ, अब यहाँ पर फिर से रोपना चालू करेंगे। देख सकते हैं टोपा में हम ले लिए हैं, और यहाँ पर परात में माप करके रोपेंगे। और ये वाला ना ये पूरा ये वाला ना छोड़ा वाला नहीं है, देखिए पूरा दाना दाना वाला है, घटेगा तो इससे छोड़ा के फिर से बुनना होगा। तो चलिए अब ना पूरा कंप्लीट करते बारी, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ भी बादाम बुना हुआ हो चुका है, और इतना ज़्यादा धूप देने लगा ना, और भूख भी काफ़ी ज़ोर से लग रहा है, क्या ही बोले मुँह नहीं धोए अभी से। तो चलिए दोस्तों अपना चलते हैं सीधे घर। तो दोस्तों देख सकते अभी हम घर आ चुके हैं, और मुँह कान धो के भी एकदम फ्रेश हो चुके हैं, और देख सकते यहाँ पर खाना खा रही है पूरा एकदम अभी अभी बैठी, और हम भी देख सकते यहाँ पर खाना यही बांट दिए, और आज भात और आलू और कौन सी है आलू बोधी और टमाटर का सब्ज़ी है, तो इसीलिए खाते हैं फटाफट। तो दोस्तों फाइनली खाना पीना हो चुका है, और एकदम मस्त लग रहा है, तो चलिए अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो देख सकते अभी बज रहा घर, हम ना सो गए थे खाओ के थोड़ा, और यहाँ पर देख सकते हमारे दीदी थी और हमारे पीछे देख सकते दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड पानी आ रहा है पूरा आंधी तूफान वाला। हम सोए हुए थे ना यहाँ पर, फोन चार्ज दे दिए थे थोड़ा और सो गए थे, और देखे तो पूरा खतरनाक पानी आ रहा है उठ के देख सकते। खैर आज दोस्तों बादाम बना गया एकदम मस्त, एकदम बहुत हैप्पी है। कैमरा सामने आते ही, और देखते उधर रीना भी है यहीं पर, ले रहा ना भाई वहाँ से कौन सी हुआ कौन सी भिंजा ध्यान कहाँ कहाँ रहता है, इतना जल्दी पानी हम सोच रख ले दो तीन बज गए लेते सच। और बाहर तरफ से खतरनाक दिख रहा उधर, कितना हवा हुआ लगला आपका ये आईना अंदर।
तो चलिए दोस्तों अब ना पानी छूटने का वेट करते हैं। चाहिए बोले नींद मेरा फ्रेश हो गया पानी के यहाँ पर सुनने से, मेरा खतरनाक नींद आया था। लेकिन तो चलिए अब मिलते हैं, थोड़ा पानी छूटेगा उसके बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मौसम फ्रेश कर दिया, लेकिन ना मतलब बादल पूरा छाया हुआ है, पानी तो छूट गया और इतना हवा बह रहा ना, ऐसा हवा लगता है कि पानी फिर से आने वाला है। क्या ही बोले, और अभी दोस्तों समय का 12:30 बज रहा है। तो हम ना चलेंगे अब नहाने के लिए। पूरा ना अजीब लग रहा है, पसीना पसीना हो गया था ना, काम करते रहते तो इसे हम सो गए थे, तो पूरा शरीर में मतलब अजीब सा चिपचिपा सा हो रहा है। तो चलिए अब नहा के मिलते दोस्तों। अभी हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और क्या ही बोले, अभी तक ढूंढ रू मतलब बादल छाया ही हुआ है, पानी आने जैसे क्या हुआ, लेकिन तो हम जैसे तैसे नहा लिए। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये बादाम जो था ना, इतना सा बच गया है, तो इसका चटनी ना इतना मस्त लगता है खाने में ना, एकदम पर इतना सा जो खाता है ना खाना उतना खा जाएगा। क्या ही बोले, तो इसको ना अभी हम लोग मतलब सब्जी थोड़ा बहुत बचा है, तो अभी हम चटनी बनाने वाले हैं इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ भी चूल्हा जला रहे हैं, यहाँ पर पहले इसको भुनना पड़ता है, उसके बाद फिर जो होता है ना मसाला पीसने के से उसी तरह सेम होता है प्रोसेस। तो आप वीडियो में देखिए अभी सब दिखाएंगे कैसा कैसे होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आग जला रहे हैं, अभी इसको भुनेंगे। दोस्तों अभी हम चलते हैं लहसुन छुड़ाने के लिए, इसमें लहसुन देने से और भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। दोस्तों देख सकते हैं लहसुन ले लिए हैं एगो, अब चलिए इसको ना मस्त अच्छा से इसको सब छिलका निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काय ना गर्म हो चुका है यहाँ पर, और आग भी काफ़ी मस्त लग रहा, थोड़ा ठंडा लग रहा ना, तो यहाँ मस्त लग रहा है हाथ सेकने में। और देख सकते हैं यहाँ पर बादाम, यहाँ पर भुनेंगे इसको अच्छा से। अब इसको अच्छा से भूनना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रीना भी आ चुकी है, नहाने गई थी ना, कपड़ा खींचने गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा भुना गया है, देख सकते हैं हल्का हल्का व्हाइट हो गया, अभी तो गरम गरम है, अभी कितना भुना रहेगा ना, गर्मा गर्म खाएगा ना तो ये चिपस चिपस करता, हल्का ठंडा होने देंगे ना उसके बाद करेगा कटर कटर। हाँ, ज़्यादा पड़ गया, ज़्यादा चल गया इसका कहना, ज़्यादा चल गया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छी अच्छी तरह से भुना गया है, देख सकते हैं। और ये तो ये कच्चे वाला खा रही है भूखड़ जैसा, कच्चा वाला नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ये वाला थोड़ी अभी चटनी बनाएंगे। चल बना जल्दी जल्दी बना, जैसे तो यहाँ पर लहसुन भी थोड़ा बहुत छोड़ाए हैं, तो छोड़ाओ ना, ये खाली खाने में रहती है। वाह, तो चलिए जल्दी जल्दी छोड़ाते हैं ये सब। दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बादाम तो मम्मी भून दिए, और सुबह से किशमिश भी जा रहे हैं यहाँ पे, अभी काफ़ी अभी गर्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लकड़ी साफ दे दिए, और आज क्या बोलते हैं मतलब कि बारिश दिया, अभी ठंड क्या हुआ है, तो बादाम का चटनी मतलब थोड़ा ये सब अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए भैया बोला कि भून दो, तो अभी मम्मी बना दी है मतलब बनाने दिए, भून दिए, तभी हम पीसने जा रहे हैं। और अभी क्या बोलते हैं चावल का साथ में भी खाएंगे, और सब्जी भी है लेकिन फिर भी बनाने के लिए बोले तो हम पीसने जा रहे हैं, अभी अभी खाएंगे सबको। तो जल्दी जल्दी पीसो, जल्दी जल्दी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चटनी बन के रेडी हो गया, और किस तरह दिख रहा देख सकते हैं, लग रहा सत्तू साने हैं, लेकिन खाने में इतना टेस्ट लगता है ना। और माँ अभी सभी के लिए खाना बांट रहे हैं, देख सकते हैं, और काफ़ी ज़ोर से भूख लगा है, 2 बजने चला है। लगा लगा झाड़ू लगा थोड़ा। दोस्तों हम अपना खाना ले लिए, देख सकते हैं भात और सुबह में जो सब्जी था वही, और बादाम का चटनी, तो चलिए खाते हैं। और सबको अपना अपना बांट लिए हैं। तो दोस्तों खाना पीना एकदम हो चुका है, और मौसम देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम हो जाइए, अभी थोड़ा बादल छाया हुआ है पूरा। और दोस्तों अभी ना कुछ काम वाम तो है नहीं, क्या ही बताएं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जय जय किसान, बाय बाय।